राजा के मुख्य द्वार पर एक लोहे के पिंजड़े में एक बड़ा बाघ कैद था। यदि कोई व्यक्ति उसके सामने से गुजरता था तो वो उनसे हाथ जोड़कर ये कहता था, भाई साहब पिंजड़े का दरवाजा खोल दीजिए ना। मैं पिंजड़ा खोलूं और तुम बाहर आकर मुझे आराम से खा सको। एक दिन राजा के महल में बहुत बड़े उत्सव का आयोजन हुआ और ढेर सारे मेहमान उपस्थित थे। उन्हीं लोगों में से एक सीधे साधे ब्राह्मण थे और उस ब्राह्मण को देखकर बाघ ने उनको नमस्कार किया। वाह, बाघ तो बहुत संस्कारिक है, तुम क्या चाहते हो? यदि आप कृपया कर यह पिंजड़ा खोल दें तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। धैर्य रखो, खोल देता हूँ। अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं तुम्हारा सहायता किया और तुम ये क्या कह रहे हो, तुम मुझे खा जाओगे? ऐसे काम कोई करता है भला? क्यों नहीं करते, हर कोई ऐसे ही करते हैं। नहीं नहीं, कभी नहीं। चलो फिर तीनों गवाहों से पूछते हैं, वो लोग क्या कहते हैं। अच्छा तो फिर चलिए, अगर ऐसी बात है, यदि तीनों गवाहों ने आपके पक्ष में सही उत्तर दिए तो मैं आपको छोड़ दूंगा। यदि वो गवाह मेरे पक्ष में सही उत्तर देते हैं तो मैं आपको खा जाऊंगी। मेरा पहला गवाह है यह बरगद का पेड़। अच्छा तो उनसे पूछिए तो वो क्या कहते हैं। हे बरगद जी, आप तो बहुत बुजुर्ग हैं और बुद्धिजीवी हैं, आप ही बताएं, जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का मदद करते हैं तो उनके साथ दूसरे व्यक्ति क्या गलत करते हैं? सही बात है, यही जमाना आ गया है, जो लोग मेरे ही पेड़ की छांव तले बैठते हैं वे लोग ही मुझे खोदते हैं, मुझे काटते हैं, मेरे ही पेड़ के पत्ते तोड़ते हैं। जो भलाई करते हैं उन्हीं को ज्यादा तकलीफ देते हैं, ये कहाँ का इंसाफ है बताओ? और मैं क्या देखा, वो क्या बोल रहे हैं? ठीक है, अभी भी मेरे दो गवाह बाकी हैं। वो देखो, वह जा रहा है मेरा गवाह लोमड़ी। लोमड़ी महाराज ठहरिए। गवाह? कैसा गवाह? जो लोग भलाई करते हैं उसका क्या बुरा होता है? किसकी भलाई, जब तक मैं नहीं सुनूंगा नहीं बता पाऊंगा। बाघ पिंजड़े के अंदर था और मैं उसी रास्ते से जा रहा था। यह बहुत कठिन समस्या है, वह पिंजड़ा और वह रास्ता जब तक मैं नहीं देखूंगा नहीं बता पाऊंगा। सभी लोग पिंजड़े के पास चले आए। पिंजड़ा और रास्ता मैं समझ गया हूँ, पर क्या हुआ था ये तो बताओ। बाघ पिंजड़े के अंदर था और मैं रास्ते से गुजर रहा था। ठहरिए ठहरिए, इतनी जल्दीबाजी मत कीजिए, पहले जितना बताएं उतना मैं समझ लूं। अब क्या बोल रहे थे, बाघ आपका था और रास्ता पिंजड़े के अंदर था, यही ना? ए पागल, बाघ पिंजड़े के अंदर था और ये उस रास्ते से जा रहे थे। अब समझा, तुम रास्ते से जा रहे थे और ये पिंजड़े के अंदर थे। अरे नहीं नहीं, मैं पिंजड़े के अंदर था और ये रास्ते से बाहर जा रहे थे। अरे ये तो बहुत ही गोलमाल वाली बात हो रही है, पिंजड़ा रास्ते से जा रहा था या फिर बाघ इनके अंदर थे? अरे इतना बड़ा बेवकूफ मैंने आज तक नहीं देखा, बाघ पिंजड़े के अंदर था और ये रास्ते से जा रहे थे। ये बहुत ही गोलमाल वाली बात है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। नहीं नहीं, समझना तो तुम्हें पड़ेगा ही। ये देखो, मैं पिंजड़े के अंदर ऐसे था। देखो अब तो समझ पा रहे हो लोमड़ी महाराज? अरे मुझे खोल दो, मुझे खोल दो, मुझे खोल दो। अब ये पिंजड़ा कभी नहीं खुलेगा। पंडित जी अब मैं सब समझ गया, बुरे लोगों का कभी भी भलाई नहीं करनी चाहिए। अब आप राजा के उत्सव में जाकर शामिल हो, क्योंकि अभी भी उत्सव समाप्त नहीं हुआ। यही बात कहकर लोमड़ी जंगल की ओर चल पड़े और पंडित राजा के उत्सव में शामिल हो गए।
सदियों पहले उत्तर हिमालय चंद्रचूर पहाड़ पर एक राक्षसी निवास करती थी। उसका नाम था प्रचुंडा। उसका एकलौता संतान था। उसकी माँ की ये इच्छा थी कि उसका बेटा जब विवाह के लायक हो जाएगा तब वो एक राजकुमारी से अपने बेटे का विवाह करवाएगी। दक्षिण में एक राज्य था सेतपुर। वहाँ के राजा की एक लौती कन्या रूपमती। राजकन्या रूपमती विवाह लायक हो गई है, अब उनके लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढना चाहता। मुझे लगता है महाराज राजकुमारी का स्वयंवर करवाना चाहिए। उधर गुप्तचर के द्वारा राजकुमारी की स्वयंवर के बारे में प्रचंडा भी जान गई। महाराज शतंकर की एक लौती कन्या रूपमती का स्वयंवर की आयोजन शुरू हो गई। राजकुमारी तुम्हारा विवाह तो मेरे पुत्र से ही होगा। चलो चलो मेरे साथ, चलो चलो। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। उसके बाद राजकुमारी को छुड़ाने के लिए अलग अलग राज्य से राजकुमार आए और सेनाओं के साथ चंद्रचूर पर्वत की ओर सब निकल पड़े। तो असंभव है, मैं इतना आसानी से हार नहीं मानने वाला। सुनो तुम लोग, तो सोने का हिरण है, इसे देख कर राजकुमारी बहुत खुश हो जाएगी। राजकुमारी देखो तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ, सोने का हिरण। कुछ नहीं चाहिए मुझे, मैं अपने पिता श्री के पास जाना चाहती हूँ। राजकुमारी कौन है आप? मैं आपको बचाने आया हूँ। राक्षसनी का पुत्र दानव वो जब आपके पास आएगा तो आप कैसे भी करके पता लगाइएगा उन लोगों का जीवन शक्ति कहाँ छुपा हुआ है। ठीक है, मैं कोशिश करूँगी। मैं यही पे छिपा हुआ हूँ। राजकुमारी इस नाग पंचमी के दिन हम दोनों का विवाह तय हुआ है। सच में? तुम खुश हो ना राजकुमारी? मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन डर लगता है तुम्हें मार के दूसरे राक्षस मुझे खा लिए तो। हाँ, मुझे और मेरे माता श्री को मरना इतना आसान नहीं है। मेरी माता श्री और मेरा जीवन एक जलाशय के अंदर संदूक में है। कहाँ है सोने का संदूक? दक्षिण दिशा में जलाशय के नीचे अताल में एक सोने के संदूक में हम दोनों का प्राण है। मैं अब चलता हूँ राजकुमारी। जल्दी आइएगा। तुम चिंता मत करो। राजकुमारी मैं जा रहा हूँ। उसके बाद राजकुमार जलाशय की ओर पाताल में रवाना हो गए। ओ रहा सोने का संदूक। ए
वही मुझे कह रहे हो महाराज, क्या आपको ये नहीं लगता कि राजकुमार सूर्य प्रचंडा और उसके पुत्र को राजकुमार उन दोनों का बात करके गुनाह किए हैं? राजकुमारी दानव के साथ छल की थी और प्रचंडा ने भी राजकुमारी को अगवा की थी अपने स्वार्थ के लिए, इसीलिए राजकुमार ने प्रचंडा और उसके पुत्र का हत्या करके कोई गुनाह नहीं किया है। इसलिए अब मैं चला महाराज। बड़े बड़े पेड़ों से भरा था एक जंगल। उस जंगल में तरह तरह के जीव जंतु रहते थे और इसी जंगल के वासिंदे थे एक हाथी और एक कछुआ। दोनों एक दोपहर को पेड़ के नीचे बैठे बातें करने में व्यस्त थे। तभी ओहो, इतने साल इस जंगल में कट गए पर इस बार की तरह गर्मी पहले कभी नहीं देखी, है ना कछुआ भाई? सही बोला ना? ठीक कहा गजराज, बहुत गर्मी है इस साल, गर्मी तो सही ही नहीं जा रही। हाँ, प्यास तो बहुत लगती है, चलने फिरने में ही पसीना आ जाता है। हाँ सही कहा, हिलने डुलने का भी मन नहीं करता। ऐसे ही बातें चल रही थी दोनों दोस्तों में और तभी वहाँ हुआ एक खरगोश का आगमन। उसके बाद अरे रे ओ खरगोश, ऐसी गर्मी में कहाँ जा रहे हो भाई? क्यों पूछ रहे हैं आप? अरे इस गर्मी में सबका बुरा हाल है, चलने फिरने का मन नहीं करता और तुम टहल रहे हो भाई। इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, बल्कि मेरा शरीर और ज्यादा स्वस्थ रहता है। मेरी तो यही राय है कि आप लोग भी बैठे बैठे बातें ना करें बल्कि चल फिर लीजिए थोड़ा, इससे शरीर अच्छा रहेगा। अरे क्या कहा तुमने, सिर्फ बैठे बैठे बात करते रहते हैं, उठते नहीं चलते नहीं, हाँ तुम्हारी ये हिम्मत? ठीक कहा आपने गजराज, इतना दुस्साहस, दो बित्ते का जीव और इतनी बड़ी बड़ी बातें। देखिए आप लोग बड़े हैं पर बीच बीच में हम जैसे छोटे छोटे प्राणियों से भी कुछ कुछ सीखना चाहिए, समझे? नहीं नहीं बहुत हो गया, हमारा अपमान और बर्दाश्त नहीं होगा, देख लेते हैं चलो। हरा सकोगे कछुए को दौड़ में? अब तो आपने हंसा ही दिया, कछुआ भैया के साथ प्रतियोगिता। मैं तो रेडी हूँ। ठीक है फिर, कल सुबह यहीं से प्रतियोगिता शुरू होगी और खत्म होगी 4 कोस दूर, देखते हैं फिर कौन जीतता है। ठीक है, वक्त पर आ जाऊंगा मैं, तो मैं अभी चलता हूँ। कछुआ दादा बुरा मत मानना, तुमसे बिना पूछे तुम्हारा नाम दे दिया मैंने रेस में, अब मैं क्या करूँ, वो खरगोश ने इतना दिमाग खराब कर दिया था मेरा। आपने जो किया ठीक ही किया गजराज, जुबा देता हूँ कि मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी। शाबाश, यही तो चाहिए, सुबह मुलाकात होगी। इसके बाद हाथी और कछुआ अपने अपने घर लौट गए। इसके बाद अगली सुबह जैसे ही सूरज भैया बाहर निकले, वैसे ही जिस पेड़ के नीचे से रेस शुरू होने की बात की थी, वहाँ हाथी और कछुआ इंतजार कर रहे थे खरगोश का। कुछ देर बाद खरगोश की एंट्री हुई। हाँ भाई खरगोश, देरी क्यों हुई? अरे मैं सो गया था, उठने में देरी हो गई। तो रेस के लिए रेडी? हाँ मैं रेडी हूँ। अरे कौवे, तुम रेस जहाँ खत्म होगी वहाँ चले जाओ, तुम देखना कौन पहले जीतेगा। ठीक है मैं चला जाता हूँ। मेरे 3 बोलते ही रेस शुरू होगा। कछुआ भाई आप रेडी तो है ना? हाँ गजराज। 1, 2, 3। खरगोश तो तुरंत दौड़ना शुरू करता है और जंगल में आगे निकल जाता है, और कछुआ भाई तो अति धीरे धीरे एक एक पैर चलकर आगे बढ़ना शुरू करते हैं। दोनों बूढ़े तो पागल हो गए हैं। गजराज मैं फिर जाता हूँ रेस की जगह पे, रुको आप। हाँ जाओ जाओ जाओ। कौवा बहुत उड़ने के बाद देखता है कि खरगोश एक पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ा सा सो रहा है। क्यों भाई थक गए क्या? हाँ जरा सुस्ता लेता हूँ और क्या।
कछुआ भाई तो अब भी शायद बहुत पीछे होंगे। वो जो चलते हैं ना थप थप करके छोटे छोटे पैरों से। हाँ सही बोला भाई, सही बोला। चलो भाई मैं चलता हूँ, बताओ कब मिलोगे तुम? 15-20 मिनट में तो पहुंच ही जाऊंगा, थोड़ा सुस्ता लेता हूँ, आ जाऊंगा मैं। अच्छा अच्छा अच्छा। खरगोश पेड़ के नीचे बैठा सुस्ता रहा था, पर उसे ठंडी पेड़ की छाया के नीचे कब उसकी आंख लग जाती है उसे खुद भी नहीं पता चलता। इधर कछुआ छोटे छोटे पैरों से चलता रहता है अपने लक्ष्य की तरफ, और अचानक उसकी आंख खुलती है और उसे याद आती है रेस की बात। हरे राम, कब से मैं सो रहा था। कोई ना, रेस तो अभी भी बाकी ही है। लगता है कछुआ भाई अब भी बहुत दूर ही है, निकल लेता हूँ, शायद पहले ही पहुंच जाऊंगा। कितनी ही देर हुई होगी, रेस तो मुझे जीतना है। इसके बाद खरगोश लक्ष्य पर पहुंचते ही आ गया, आ गया, आ गया। अरे तुम पहुंच गए, मुझे लगा तुम तो आ ही नहीं पाओगे। दरअसल थोड़ा सुस्ता रहा था मैं, पता ही था कछुआ भाई से तो पहले ही पहुंच जाऊंगा। तो कछुआ भाई है कितनी दूर है कौवा भाई? अरे तुम्हारी नींद अभी तक नहीं टूटी क्या? सही बोले हो कौवे, उधर देखो कौन बैठा है। हैं? कछुआ भाई आ गए? मैं हार गया हूँ। पंगा मत लेना भैया। हेलो डीक। बोलो पुशी। आज घर पे आंटी नहीं है, इसीलिए तुम मेरे घर पे आना, तुम्हारा इनवाइट है। तुम टेंशन मत लो, मैं शाम को जरूर चला आऊंगा तुम्हारे पास। तो दोस्त को क्या खिलाएगा बता? देख लेना क्या खिलाऊंगा। क्या कर रहा है ये देखना पड़ेगा। आज दोस्त के लिए चिकन तंदूरी बनाऊंगा। खाना तो बनाएगा ठीक ही, मगर खाएगा वो नहीं, मैं और टॉमी खाऊंगा। हेलो टॉम। हाँ हाँ, तुम निश्चिंत होकर रहो, मैं जरूर आऊंगा सही समय पे। हेलो पुछी। हाय डीक, चलो अंदर चलते हैं। हेलो डार्लिंग। हाय टॉम, आओ अंदर आओ, आज रात मैं तुम्हें अच्छा डिनर कराऊंगा। क्या खाना? तंदूरी चिकन। वाह, बड़ा ही स्वादिष्ट बना है। डीक, आज मैं तुम्हारे लिए तंदूरी चिकन बनाया हूँ, चलो दोनों मिलकर खाते हैं। चलो चलो फिर जल्दी चलते हैं। तो अब अपने दोस्त को ये तंदूरी चिकन नहीं खिला पाएगा। चोर कहीं का, रुक तेरे को बताता हूँ। मारूंगा तेरे को। मुझे मारोगे? ले। टलो टलो, इससे लड़कर कोई फायदा नहीं। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। क्या आइडिया? सुनो तो फिर। बड़ा अच्छा आइडिया है। देर मत करो, चलो फटाफट काम करते हैं। बस सैंडविच तैयार है, अब मसाला दो जा। लो। बस तैयार हो गया, चलो चलो अब चलते हैं हम लोग। ये सब क्या है? सैंडविच, चिकन सैंडविच। तो फिर ये हम दोनों खाएंगे। अरे बाप रे बाप, मर गया, गला जल गया, चल रहा है। अरे बाप रे बाप।
देखो इस देखो देखो इसी को कहते हैं डोगी वाला डांस। पेट चल गया, गला जल रहा है, गला जल गया, पेट चल गया, बाप रे बाप।